नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टॉक आर पर। और आप देख रहे हैं 101% रियल क्वेश्चन NTPC रेलवे। यानी कि आज 4 तारीख को जो पेपर हुआ है, इसके फर्स्ट शिफ्ट के हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, और उनसे संबंधित एक्सप्लेन भी जानेंगे। क्वेश्चन जी, हम जो 12:30 बजे वीडियो बना देते हैं, लेकिन आज क्वेश्चन जो है थोड़े लेट मिले, इस वजह से हम 1 बजे जो प्रसारित कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखते हैं। और देखिए, क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुके हैं, पिछले वाले भी रिपीट हुए हैं, तो कौन कौन से रिपीट हुए हैं, ठीक है, इन रिपीट क्वेश्चनों को आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से एनालाइज जो है पूरा देखें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें आया है हॉकी इंडिया ने भारत में स्वर्ण पदक कब जीता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इंडिया ने लास्ट टाइम हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था ओलंपिक में। ठीक है, तो 1980 में जीता था। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखा लिखने में, तो 1980 में जो है ये पदक जीता था भारत ने स्वर्ण पदक हॉकी में। ठीक है, हॉकी में, ओलंपिक में। ठीक, उसके बाद पूछा है DRDO का मुख्यालय पूछा है कि कहाँ पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसके कौन है, हेड कौन है, तो इनके जो है सतीश रेड्डी जो है इसके DRDO के अध्यक्ष हैं अभी। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। एक गांधी सागर बांध किस नदी पर है, ये पूछा है, तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परीक्षण कब हुआ था, परमाणु परीक्षण कब हुआ था प्रथम, तो 1974 में जो है प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो पोखरण में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ये था कि 1900 जो पहली बार जो राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था राष्ट्रीय गीत। ठीक है, अपने भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो 1896 में गाया गया था। एक अगली फुल फॉर्म है, TNT की फुल फॉर्म पूछिए, TNT की फुल फॉर्म पूछिए, जो कि विस्फोटक पदार्थ है, ट्राई नाइट्रो टाइलिन इसकी फुल फॉर्म है। TNT की पिछली जो 28 तारीख में सहती पर हुआ था उसमें भी पूछी थी TNT की फुल फॉर्म। तो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे, और देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि ये जो साइमन कमीशन भारत को कौन लेकर आया था, तो साइमन कमीशन जॉन साइमन जो है लेकर आए थे, उसमें 7 मेंबर थे जो कि सभी कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, इस वजह से इसका जो बहिष्कार कर दिया गया और ये वापस चला गया। अगला, एक रावत भाटा किस राज्य में है, तो रावत भाटा एक इसमें परमाणु संयंत्र पूछा है जो कि पीछे वाले भी पूछा गया है, तो कुंडाकुलम कलपक्कम तमिलनाडु में है, केंगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और पहली अगर परमाणु भट्टी पूछ ली जाए तो एनको फार्म है थी जो कि 1942 में बनाई गई थी। ठीक है, एक इससे आया है। अगला है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है, कृषि किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में आती है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और इसमें ये पूछा गया था पहली शिफ्ट में कि कृषि के क्षेत्र में आती है, और जो अभी पूछा है कि द्वितीय में उद्योग आता है, तृतीय में सेवा क्षेत्र आती है, सेवा क्षेत्र यानी कि बीमा और ये पुलिस वगैरह, ये जो तृतीय क्षेत्र में आती है। ठीक है, बैंक वगैरह। अगला है, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो आमाशय में HCl अम्ल होता है, ये पूछा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक फुल फॉर्म फिर पूछी गई है कि फुल फॉर्म हमने जितनी ये फुल फॉर्म लिखी हुई है सभी आई हुई है, और आज कौन सी आई है, आज URL की फुल फॉर्म आई है जो कि पहली शिफ्ट जो 28 का हुआ था उसमें आई थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट इसकी URL की फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म के आप स्क्रीनशॉट ले लें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो आ ही चुकी हैं। अगला है, फीफा से फिर क्वेश्चन आया है, फीफा जो फुटबॉल कब कब आयोजित होगा, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, 2022 में कहाँ होगा, कतर में आयोजित होगा। देखिए एक सुरंग से क्वेश्चन आया है, जो जीला सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और माना दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, और मनोज सिन्हा यहाँ के कौन है, इसके जो उपराज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इस वजह से इसके जो मनोज सिन्हा उप राज्यपाल होते हैं। ठीक है, इन्हें कि हम जो अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री वगैरह तो नहीं होते हैं, इसमें राज्यपाल होते हैं जिन्हें उपराज्यपाल बोलते हैं, ठीक है, इसे प्रशासक वगैरह भी बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछी गई है, ये तो पिछली वाले में पूछी थी, ये सुरंग पूछी गई है, चेनाली नसारी सुरंग कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाली नसारी सुरंग, और ये इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है, इस वजह से ये पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 में पूछा है कि 112 किससे संबंधित है, तो ये बजट से संबंधित है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहते हैं। ठीक है, बजट एक चमड़े का थैला होता है, उसे बजट से बना है। अगला, हेमिस, देखिए हेमिस नेशनल पार्क ये आ गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख में स्थित है, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। हाथी दिवस, ये हाथी दिवस आ गया फिर,
तो खादी दिवस काफी इंपोर्टेंट है। तो 12 अगस्त को जो खादी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खान और सलीम उल्लाह खान के द्वारा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। विटामिन B9, देखिए विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं और विटामिन B9 से आया है और इससे पहले चैप्टर में B से आ चुका है, विटामिन B1 आया था, ठीक है। तो फॉलिक अम्ल होता है विटामिन B9 का, विटामिन B9 का जो नाम होता है वो फॉलिक एसिड होता है। दूध का पीएच मान पूछा है तो 6.5 जो है दूध का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए ये तो क्वेश्चन पीछे बात के हैं जो हमारी पहले शिफ्ट की थी, ठीक, जो कि इनसे पहले शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है सब हो चुके हैं, इतने हमारे पास आए हैं और जो बाद में जो क्वेश्चन अब मिलेंगे हमें, ठीक है, तो वो अभी नेक्स्ट शाम की शिफ्ट में जो आयोजित होंगे उसमें हम सब इंक्लूड कर देंगे। और आप जो है PDF के लिए हमें जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है नीचे उस पर कर सकते हैं, और आप अगर पेपर देकर आएँ तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।